हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 बेसिक्स मॉडल के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, होंडा ने अपनी हॉर्नेट के बेसिक्स मॉडल को लॉन्च कर दिया है फाइनली। तो आज के इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको उसमें प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिल जाते हैं और क्या आपको ये बाइक अब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग इस बाइक का वेट कर रहे थे। तो अगर आप भी इस बाइक को लेने का सोच रहे थे तो आप इस वीडियो को देख लें, आपके जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगी। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या कुछ कंपनी ने इसमें फीचर्स ऐड किया और क्या कुछ इसमें कंपनी ने मिसिंग फीचर्स दिए हैं जिसे कि कंपनी को देना चाहिए था। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें, जरा भी स्किप ना करें, आपके जितने भी डाउट्स है वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स वगैरह आपसे मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी पूछना रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्रेंड्स वहां पे इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कमेंट्स में सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करना चाहेंगे बाइक लेने में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बाइक का प्राइसिंग। तो फ्रेंड्स, इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइसेज है वो आपको 1,26,000 रुपीज के अप्रॉक्स में देखने को मिलता है। बात करते हैं ऑन रोड प्राइसिंग का, तो ये बाइक फ्रेंड्स आपको ऑन रोड 1,40,000-45,000 रुपीज के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप प्राइसिंग के हिसाब से देखते हैं फ्रेंड्स, तो प्राइसिंग इसका आप बोल सकते हैं कि काफी एग्रेसिव कंपनी ने रखा है। जिस हिसाब से आपको इसमें फीचर्स मिल रहा है उस हिसाब से प्राइसिंग भी आपको इसमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स, इस बाइक में आपको प्रोस क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको इसका इंजन के बारे में बताना चाहूंगा। तो इस बाइक में आपको 184 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक बेसिक्स कंप्लाइंट एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रेंड्स होंडा की ESP टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बात करते हैं इसके पावर फिगर्स के बारे में, जिसमें आपको 17 BHP का पावर मिलता है और 16.1 Nm का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये 200 CC की बाइक है, बट आप इसे 200 CC का नहीं बोल सकते हैं। इस बाइक का जो इंजन है वो आपको 184 CC का ही देखने को मिलता है। तो पावर फिगर्स अगर आप देखते हैं तो ये फ्रेंड्स आपको अपाची और NS से कंपैरिजन आप इसका नहीं कर सकते, क्योंकि NS का जो पावर फिगर्स है वो काफी ज्यादा है, उसमें आपको 23.8 BHP का पावर मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर अपाची का बात करते हैं तो उसमें आपको 19.9 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। तो पावर और टॉर्क फिगर के मामले में फ्रेंड्स वो दोनों बाइक्स काफी मतलब देखा जाए तो आगे निकल जाते हैं इस बाइक से। बट फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं 180 CC के इंजन के हिसाब से तो पावर आपको इसमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। कंपनी चाहती तो फ्रेंड्स इसमें आपको और भी ज्यादा अच्छा इंजन देकर और भी ज्यादा पावर के साथ इसे लॉन्च कर सकती थी, बट कंपनी ने फ्रेंड्स इसमें बैलेंस बनाने का कोशिश किया है, क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने हॉर्नेट 160 को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप पहले के हॉर्नेट से इसके पावर को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको 3 BHP से अप्रॉक्स में इसमें पावर इंक्रीज कर दिया गया है और 2 Nm के अप्रॉक्स में आपको टॉर्क इंक्रीज करके दिया है कंपनी। तो अगर आप पहले के कंपैरिजन में देखते हैं तो पावर आपको इसमें बढ़ के मिल रहा है, बट फ्रेंड्स अगर आप कंपटीशन की बात करते हैं तो इसका उन दोनों बाइक से कंपटीशन नहीं किया जा सकता। बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में, तो इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स ही देखने को मिलता है, सेम पहले के जैसा ही। इसमें कंपनी आपको 6-speed गियर बॉक्स भी नहीं दे रही है। और बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें माइलेज के बारे में, तो इसमें आपको 35-40 तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ कुछ इसमें आपको प्रोज क्या क्या ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि आपको अदर बाइक्स में देखने को नहीं मिलती। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका जो प्रोज आपको देखने को मिलेगा वो रहने वाला है फ्रेंड्स इसके सस्पेंशन को लेकर। इसमें आपको USD फोक्स कंपनी ऑफर करती है फ्रंट में, और रियर में फ्रेंड्स आपको इसमें मोनोसॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो USD फोक्स है वो आपको गोल्डन कलर का देखने को मिलता है, जिससे कि इस बाइक का जो लुक है वो आपको काफी अच्छा आता है और काफी एक प्रीमियम अपील भी देती है इस बाइक को, जो कि फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो इस प्राइस रेंज में आपको अभी तक किसी भी बाइक्स में आपको USD फोक्स देखने को नहीं मिलता था। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि बेस्ट इन क्लास एंड फर्स्ट इन क्लास फीचर आपको देखने को मिलता है। और बात करना चाहेंगे इसके नेक्स्ट प्रोज का, तो फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट प्रोज है वो आपको देखने को मिलता है इसके मीटर कंसोल में। इसका जो मीटर कंसोल है उसे भी पूरा चेंज कर दिया गया है, इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है जो कि नेगेटिव डिस्प्ले के साथ आता है। और इसके मीटर कंसोल में आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं वो है फ्रेंड्स इसका जो ब्राइटनेस आप उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर आप ज्यादा सनी वेदर में अगर आप हैं तो अगर आपका डिस्प्ले आपको विजिबल नहीं है तो आप उसका ब्राइटनेस बढ़ाकर आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि देखा जाए तो आपको इसी बाइक में भी देखने को मिल रहा है और ये काफी अच्छा फीचर हो जाता है। और बात करते हैं तो इसमें आपको गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर वगैरह, एवरेज माइलेज वगैरह, इसमें आपको सारे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इवन फ्रेंड्स आपको इसमें बैटरी वोल्टेज मीटर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा बात हो जाता है। और बात करते हैं फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट प्रोस का, तो वो आपको देखने को मिलने वाला है इसकी ब्रेकिंग में। इसमें कंपनी आपको डुअल पेटल डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है विद सिंगल चैनल ABS। तो इसमें फ्रंट में आपको 276 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में फ्रेंड्स आपको 200 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। तो ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेक बाइट आपको काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है इस बाइक में। तो इस बाइक में आपको पेडल डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, उसका बेनिफिट ये हो जाता है फ्रेंड्स कि ये जो है वो जल्दी कूल हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं हायर स्पीड्स पर जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो डिस्क का जो पेडल होता है वो गर्म हो जाता है, बट पेडल डिस्क ब्रेक जल्दी कूल हो जाता है और ग्रिप भी आपको अच्छा देखने को मिलता है इस बाइक में। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोस का, तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स इसका फुल्ली LED लाइट्स। इसमें आपको फुल्ली LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है। इसमें फ्रंट में भी आपको LED लाइट्स मिल जाता है, रियर में भी फ्रेंड्स आपको इसमें LED टेल लाइट्स मिलता है और इसका जो चारों इंडिकेटर्स है वो भी आपको LED देखने को मिलता है। और कंपनी इसमें फ्रेंड्स आपको इनबिल्ट हैजार्ड लाइट स्विच भी दे रही है, जिससे कि
आप चारों इंडिकेटर्स को एक साथ जला सकेंगे, जो कि काफी अच्छा नाइट में आपको बाइक को लुक देता है। जैसे कि फ्रेंड्स लोग आफ्टर मार्केट लगवाते थे वो कंपनी अब आपको इसमें इनबिल्ट दे रही है, तो कंपनी ने माइनर से माइनर चीज का भी काफी ज्यादा ध्यान रखा है इस बार। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट प्रोज का, तो वो रहने वाला है इसके टायर्स को लेकर। इसमें जो टायर्स है वो भी आपको काफी वाइड देखने को मिलते हैं। अगर आप सेगमेंट के हिसाब से देखते हैं तो काफी अच्छा आपको इसमें कंपनी टायर ऑफर करती है। इसमें फ्रंट में आपको 110/70 का आपको इसमें 17 इंच का टायर देखने को मिलता है। और बात करते हैं रेयर का, तो रेयर में आपको 140/70 का इसमें आपको टायर देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रेंड्स दोनों ही टायर आपको काफी वाइड देखने को मिल रहे हैं। तो हायर स्पीड्स पर अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो काफी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे होंडा ने प्राइस कट नहीं किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोज का, तो इसमें फ्रेंड्स आपको कलर ऑप्शंस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसमें कंपनी आपको टोटल 4 कलर ऑप्शंस ऑफर करती है। इसमें आपको ग्रे, ब्लैक और रेड और ब्लू, इसमें आपको चारों कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा लुक्स के साथ और सारों ही आपको डुअल टोन कलर्स देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो अपाची में और एनएस वगैरह में आपको ज्यादा कलर ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते, बट इसमें आपको कलर ऑप्शंस ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं ग्राफिक्स वगैरह भी, तो वो भी काफी अच्छा आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट, इसका वेट के बारे में, तो इसका जो वेट है वो आपको 142 केजीज का देखने को मिलता है। और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है 166 mm का। बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो इसमें कंपनी आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर करती है, जो कि आपको देखा जाए तो ठीक ठाक है। चाहती तो कंपनी इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर कर सकती थी। तो ये रहा फ्रेंड्स इस बाइक के प्रोज के बारे में। अब बात करना चाहेंगे कुछ कॉन्स के बारे में। हो सकता है फ्रेंड्स वो आपके लिए मैटर ना करे, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो कंपनी है फ्रेंड्स वो आपको थोड़ा सा बेटर इंजन और भी प्रोवाइड कर सकती थी, जिसका कि पावर फिगर्स आपको और भी ज्यादा देखने को मिल सकता था। और सेगमेंट में अगर आप बात करते हैं 200 के सेगमेंट में, तो ये कंपटीशन में फ्रेंड्स आप देखते हैं तो ये खड़ी नहीं हो पाती है। और फ्रेंड्स इसमें मेजर मुझे वैसा कुछ कॉन्स अभी तक नजर में नहीं आया। अगर आपको कुछ इस बाइक में कॉन्स लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये बाइक आ जाती है आपको सबसे पहले अपने ब्रो के चैनल पर ही राइड रिव्यू और वॉक अराउंड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। बात करते हैं फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी पूछना रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।